Hello students, this is lecture number 2 on the topic presentation of data, and which we have to discuss. We have already discussed bar diagram, but now today we have to discuss pie diagram. Dekho, pie diagram ka simple meaning hai, pie is just like a circular diagram. Okay, now what is circular diagram? समझो यहाँ पे पहली चीज यहाँ पे क्या बोलते जाते हैं कि सर्कुलर डायग्राम जब होगा बेटा तो हम जो पाई डायग्राम बना रहे हैं, टेक फॉर द सिंपल एग्जांपल, जैसे मैं यहाँ पे एक सर्कल ले लेता हूँ. अब इस सर्कल को मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम डिवाइडिंग इन डिफरेंट डिफरेंट पोर्शंस. ओके, सबसे पहले मैंने यहाँ पे सपोज उसका ले लिया रेडियस या सेंटर पॉइंट ले लिया. नाउ आई एम डिवाइडिंग दिस पाई चार्ट इनटू डिफरेंट डिफरेंट पोर्शंस. मतलब ये एक पोर्शन हो गया, फिर ये जो दूसरा पोर्शन हो गया, दिस इज गिविंग यू अ सेकंड पोर्शन, फिर ये अपन ने इसको फोर पोर्शन में डिवाइड कर लिया. और उस पोर्शंस में डिवीजन करने के बाद इनके जो ये डिफरेंट एरियाज हैं, सपोज ये मान के चलो ये फर्स्ट एरिया, इसको अपन ने सर्कल में जैसे कलरिंग कर ली, तो ये जो पर्टिकुलर एरिया होगा ये इस पर्टिकुलर कलर से शो होगा कि ये येलो कलर सिग्निफाई कर रहा है एक पर्टिकुलर फील्ड को. फिर मान के चलो कि मैंने यहाँ पे रेड कलर ले लिया, तो ये रेड कलर जो रहेगा, ये जो पोर्शन है ये रेड कलर सिग्निफाई करेगा एक पर्टिकुलर एरिया को. फिर कमिंग टू नेक्स्ट, सपोज ये जो आपके रिमेनिंग पोर्शन है उनको अपन ने डिफरेंट डिफरेंट कलर में कर लिया, इसको भी आप कलर पेंसिल से ही बनाते हो और यू कैन यूज एनी अदर टाइप ऑफ. अब इस पाई डायग्राम में अपन सी ओनली स्टेप्स इज हाउ टू कंस्ट्रक्ट सच पाई डायग्राम. ओके, कंस्ट्रक्ट कैसे करना है? अब देखो, तुम्हारे यहाँ पे नीचे अच्छे से एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें 90 डिग्री का एंगल दिख रहा है. दिख रहा है 90 डिग्री का एंगल? यस सर. ओके, तो वो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में 90 डिग्री का एंगल कहाँ से आ गया? जैसे मान के चलो ये मेरा एक सर्कल है. अब इस सर्कल के अगर मैं डिवीजन करूं बेसिकली फोर इक्वल पार्ट्स में, तो मुझे क्या मिलेगा? हर बार मुझे मिलेगा 90 डिग्री, 90 डिग्री का एक एंगल. और ऐसे 90 डिग्री के मेरे पास कितने एंगल होंगे? ऐसे 90 डिग्री के मेरे पास होंगे चार एंगल. ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री. तो ऐसे कितने हो गए? चार एंगल. और ओवरऑल डिग्री की वैल्यू कितनी है? 360 डिग्री. ठीक है, तो अब अपने पास तो ये सिंपल हो जाएगा. अगर सबका क्या होता, सबका इक्वल प्रोपोर्शन होता तो मैं तो ऐसा डायग्राम बना के आ जाता. पर सबका क्या इक्वल प्रोपोर्शन होता है? क्या डाटा का क्या इक्वल प्रोपोर्शन होता है? क्या? नो सर, नो सर. ओके, तो अभी हमको क्या करना है, सबसे पहले डाटा को कन्वर्ट करना पड़ेगा परसेंटेज में. सी नाउ व्हाट आर दी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन फॉर अ पाई डायग्राम. फर्स्ट, कन्वर्ट डाटास इनटू परसेंटेज. सेकंड, कन्वर्ट डाटास इंटू डिग्रीज, क्योंकि आपको एंगल बनाना है बेटा. यहाँ पे आप एंगल बनाओगे विद हेल्प ऑफ डी. एंगल बनाना आता है ना, 10th क्लास में सीखा है अपन ने, 9th 10th में कैसे एंगल बनाते हैं. सो सेकंड, आपके पास जो भी डाटा है उनको आपको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? डिग्रीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा. और वो डिग्री की क्या करनी पड़ेगी आपको? ड्रॉ करके एक पाई डायग्राम बनाना पड़ेगा. गेटिंग? यस सर. चलो तो अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं तो तुमको अच्छे समझ में आएगा कि अपन क्या कहना चाहते हैं इसमें. सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे? अपन निकालेंगे परसेंटेज वैल्यू. और परसेंटेज वैल्यू निकालने के बाद अपन किसमें कन्वर्ट करेंगे? डिग्री में. एक क्वेश्चन तुमको दिया हुआ है इलुस्ट्रेशन में, दिख रहा है इलुस्ट्रेशन. In 2011-12, new domestic product by industry of origin. दिख रहा है क्वेश्चन? Yes sir. Yes sir. Okay. उसमें लिखा है primary, secondary, transport, finance and insurance. और फिर क्या लिखा हुआ है? Community social service. दिख रहा है?
यस सर यस सर चलो मैं एक बार यहाँ पे भी नोट कर लेता हूँ, मैं अभी सिर्फ उसको शॉर्ट फॉर्म में नोट कर रहा हूँ। सपोज प्राइमरी है, फिर सेकेंडरी है, फिर ट्रांसपोर्ट है, फिर फाइनेंस एंड इंश्योरेंस है, फिर उसके बाद क्या है बेटा, कम्युनिटी एंड सोशल सर्विस। सोशल सर्विस अब परसेंटेज शेयर उन्होंने पहले से ही निकाल के रखा है, तो क्या मैं इसको 100% में कन्वर्ट करूंगा क्या फिर? देखो अगर परसेंटेज पहले से दे के रखा है तो अपने को परसेंटेज में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी परसेंटेज निकाल के रखा है। अगर परसेंटेज में नहीं देंगे तो हम उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, तो हम उसको अपन परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। आई विल टेल यू कि कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। पहले तो अभी सपोज यहाँ पे देखो 16.2 ये दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है 25.4 एस की वैल्यू, फिर ट्रांसपोर्ट की वैल्यू दी हुई है 27.5, फिर उसकी वैल्यू दी हुई है 18.1, लास्ट वाले की वैल्यू बताओ मुझे। 12.8। अब इसका टोटल, क्योंकि परसेंटेज का हमें रोल कितना रहता है 100%, तो यहाँ पे ये टोटल 100% पे आया। नाउ आई हैव टू कन्वर्ट देम इनटू द पार्ट्स ऑफ डिग्री। ओके, तो यहाँ पे अब हम करेंगे डिग्री का कैलकुलेशन। कभी तुमको क्वेश्चन दिया हुआ है परसेंटेज देके रहे, कभी कभार ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कि उसमें डायरेक्ट परसेंटेज दिया हुआ है, अगर अपने को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो जो भी वैल्यू है, नाउ आई एम गिविंग इट अनदर कलर तो आपको समझ में आएगा, जो ये वैल्यू है डिवाइडेड बाय टोटल दैट इज 100% मल्टीप्लाई इट बाय 360। मतलब डिग्री का फॉर्मूला क्या होगा, वैल्यू इन परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि टोटल 100 ही रहेगा, मल्टीप्लाई इट बाय 360 डिग्री सो हैज टू गेट द एंगल कि कितना एंगल बना रहा है। अब जैसे यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई करा 16.2 डिवाइडेड बाय 100 एंड मल्टीप्लाई इट बाय 360 डिग्री, तो यहाँ पे उसकी डिग्री एंगल आया 58.3। आप राउंड ऑफ ले सकते हो, दैट इज नॉट एन इशू। फिर ऐसे ऐसे करके आपने सबके डिग्री निकाली, फिर 25.4 अपॉन 100 इंटू 360, तो ये आपकी डिग्री वैल्यू कितनी आई, दैट इज 91.4। फिर उसके बाद आपके दिया हुआ है 99 डिग्री, फिर उसके बाद दी हुई है आपकी पर्टिकुलरली डिग्री वैल्यू इज 65, फिर उसके बाद डिग्री वैल्यू दी हुई है 46। ओके, अब याद रखना बेटा अपने को यहाँ पे इनका टोटल भी देखना है, अगर टोटल 360 नहीं आ रहा है मतलब आपने कहीं ना कहीं गड़बड़ करी है। ओके, और यहाँ पे भी जब आप परसेंटेज में कन्वर्ट करते हो और उनका टोटल 100% पे नहीं जा रहा है मतलब कहीं ना कहीं पे गड़बड़ हुई है। अब मेरा क्या काम है, अब मुझे सिंपली क्या करना है, इन डिग्रीज को वहां पे फ्रेम आउट करना है। मतलब जैसे यहाँ पे चलो मैं अभी यहाँ पे व्हाइट बोर्ड दिखा देता हूँ ताकि तुमको अच्छे, क्योंकि अभी अब परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, अभी अपने पास रिक्वायरमेंट है किसकी, नाउ वी हैव टू रिक्वायरमेंट ऑफ पर्टिकुलरली इज ऑफ ओनली द पर्टिकुलर केस। नाउ चलो अब इधर पे देख लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड, सी बेटा नाउ इन द व्हाइट बोर्ड पर्टिकुलरली आप यहाँ पे क्या करोगे, सिंपली नाउ यू विल फर्स्ट मेक अ सर्कल विथ एनी ऑफ द रेडियस। आप क्या करोगे, आप कोई सा भी एक सर्कल बना दीजिए विथ एनी ऑफ द रेडियस यू वांट। सपोज मैं यहाँ पे रेडियस रख लेता हूँ 8 या 9 सेंटीमीटर, वॉट एवर सेंटीमीटर यू वांट। सो आप सबसे पहले एक सर्कल बनाओगे। ओके, आफ्टर मेकिंग द सर्कल व्हाट यू विल डू, यू विल बी मेकिंग द फर्स्ट रेडियस। ओके, सपोज ये मेरा एक सेंटर पॉइंट मैंने ले लिया एंड नाउ आई एम मेकिंग द फर्स्ट रेडियस विद दिस। अब आप क्या करोगे, अपने डी को पोजिशन रखोगे इधर पे और जो आपका फर्स्ट एंगल है जो आपको बनाना है फर्स्ट पोर्शन के लिए वो आपका 91.4 डिग्री का एंगल। सो यहाँ पे आप डी रखोगे एंड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एंगल नाउ यू विल मेक 91.4 डिग्री, मतलब ये नियर अबाउट 91 डिग्री का बनेगा।
तो यहाँ पे आप इतना बड़ा एंगल बनाओ। आपको यहाँ पे एंगल का नहीं लिखना है बेटा, हियर यू विल बी मेंशन द परसेंटेज। अब देखो उसमें परसेंटेज कितना था उस पर्टिकुलर आइटम का, 16.2% था। तो यहाँ पे इसीलिए परसेंटेज वैल्यू मांगते हैं, तो यहाँ हम परसेंटेज वैल्यू मेंशन करेंगे, दैट इज 16.2%। फिर उसके बाद जो आपको दूसरी डिग्री एंगल दिया हुआ था, इट वाज 99 डिग्री। अब आपकी डी की पोजीशन कहाँ रखोगे, इस वाले लाइन पे आकर, फिर यहाँ से जीरो लेके आप क्या करोगे, नाउ यू विल मेक अ 99 डिग्री एंगल। आ रहा है समझ में? ओके, यस सर। नाउ 99 डिग्री एंगल की जो डिग्री पोजीशन थी, मतलब जो परसेंटेज पोजीशन थी, वो कितनी थी, 25.4। ओके, फिर उसके बाद आपका जो नेक्स्ट एंगल बनेगा वो कितने बनेगा बताइए, नेक्स्ट एंगल की डिग्री वैल्यू कितनी दी हुई है, 65। तो अब क्या करूंगा, यहाँ पे अपना डी लेकर आऊंगा और यहाँ से मैं 65 डिग्री का एंगल बनाऊंगा। ये एंगल थोड़ा छोटा बनेगा क्योंकि इसकी डिग्री वैल्यू कम है, बट परसेंटेज वैल्यू क्या है इसकी, 18.1। मैंने एक मिस कर लिया क्या? अच्छा, मैंने स्टार्टिंग 91 पॉइंट उससे करी थी, 58.3 वाला बनाया है, ओके 58.3 वाला स्किप, तो वो लास्ट में आ जाएगा, कोई इशू नहीं। सो अच्छा, उसकी 58.3 के 16 पॉइंट वैल्यू नहीं थी, इसकी वैल्यू 25.4 थी। ओके, एक बार उसको इरेज कर लेते हैं, सो दैट वी विल बी गेटिंग, नाउ सी दिस वाज पर्टिकुलरली कितना परसेंट था इसका, चलो इसका परसेंटेज जो था, इट वाज परसेंटेज 25.4, इसका परसेंटेज था 27.5। मैं एक बार क्लीन एंगल निकाल लेता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। चलो एक बार सारी ड्राइंग क्लियर कर लेते हैं, सो दैट विल बी एबल टू गेट the more clear picture of the angle. अपन डिग्रीज के हिसाब से चलें, तो सबसे पहले अपन ने यहाँ पे अपना रेडियस निकाल लिया था, दिस वॉज माई सेंटर, और फिर सेंटर के अकॉर्डिंग अपन ने यहाँ पे रेडियस बना के इसे कंप्लीट, फिर अपन ने फर्स्ट डिग्री गलत ले ली थी, तो आई एम टेकिंग करेक्ट नाउ, अब डिग्री 58.32 ले रहा हूँ, तो ये कम का बनेगा 58.2 एंगल यहाँ पे, और इसकी परसेंटेज वैल्यू कितनी है बेटा, परसेंटेज वैल्यू है 16.2। फिर उसके बाद एंगल कितना है, 91.4, तो अब यहाँ पे अपन डी रखेंगे और उसके बाद 91.4 का एंगल बनाएंगे, नाउ परसेंटेज वैल्यू कितनी है उसकी, 25.4। फिर उसके बाद नेक्स्ट डिग्री एंगल इज ऑफ 99 डिग्री, तो 99 डिग्री के एंगल की यहाँ पे लेंगे वैल्यू, और उसकी परसेंटेज वैल्यू कितनी है, 27.5%। फिर उसके बाद नेक्स्ट डिग्री एंगल डी लग के यहाँ पे लेंगे और उसकी एंगल डिग्री कितनी है, 65.6, तो वो थोड़ा कम बनेगा 65.6 का, और यहाँ पे उसकी परसेंटेज वैल्यू कितनी है बेटा, 18.1, और जो लास्ट एंगल है वो अपने आप ऑटोमेटिकली बन जाएगा और उसकी परसेंटेज वैल्यू अपने को 12.8। अब आप क्या करना है बेटा, अगेन यू हैव टू मेक अ स्केल हियर, ओके, स्केल आप क्या शो करोगे कि ये 16.2 मान के चलो, नाउ यू विल बी हैविंग डिफरेंट कलर्स विद अस, सो दिस 16.2 मैंने इसको अलग शेड दे दिया, तो ये बोलूंगा कि दैट ब्राउन कलर इज शोइंग व्हाट, ब्राउन कलर इज शोइंग द प्राइमरी सेक्टर, तो यहाँ पे अलग कलर से आपको शो करना है। एंड कमिंग टू नेक्स्ट, सपोज ये ले लिया सेकेंडरी, तो यहाँ सेकेंडरी को मैंने अलग कलर से शो करा, so you will be using different colors, shading aap use kariyega, so again secondary has been shown by this color. Mostly aap kya karoge yahan pe, with the help of your color pencils or sketch pens, aapko different portions naye naye area se highlight karne. Ab jaise ye wala portion hai, to maine isko blue color se highlight karke ise kar diya ki ye jo blue color hai 27.5, ye jo hai ye bata raha hai transport.
आप अभी यहाँ पे शेडेड रीजन कर लोगे तो और अच्छे से शेडेड रीजन समझ में आएगा, अभी मेरी शेडिंग इतनी अच्छी नहीं हो पा रही है। नेक्स्ट इज फाइनेंस एंड इंश्योरेंस। तो फाइनेंस एंड इंश्योरेंस के लिए अगेन यू कैन शो इट विथ अ येलो कलर, कि ये वाला पोर्शन जो है ये वाला येलो कलर पोर्शन इट इज ऑफ फाइनेंस एंड इंश्योरेंस। अब यहाँ पे हम जो स्केल दे रहे हैं यहाँ पे हम मेजरमेंट स्केल नहीं दे रहे हैं, आई एम शोइंग कि कौन सा कलर क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे अगर यहाँ पे मैंने रेड कलर लिया है तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अब लास्ट सपोज आई एम टेकिंग ऑरेंज कलर फॉर कम्युनिटी एंड सोशल सर्विस, तो ये लास्ट कलर जो ऑरेंज कलर है दिस इज रिप्रेजेंटिंग कम्युनिटी और सोशल सर्विस। आया पाई डायग्राम yes, कैसे बनाना है? ठीक है सर। yes, अब हाँ बेटा बोलो। एक क्वेश्चन था हाँ सर, मतलब पैराग्राम बनाना नहीं आया, बाकी सब आ गया। मतलब ये आपने मन से मेजर करा 16.225? नहीं नहीं वो तो दिया हुआ है ना, वैल्यूज आपको दी हुई है ना क्वेश्चन में। जी क्वेश्चन आप देखो, इलस्ट्रेशन में देखो परसेंटेज वैल्यू दी हुई है। अगर परसेंटेज वैल्यू नहीं दी होगी क्रिश तो अपन परसेंटेज वैल्यू पहले निकालेंगे। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि सबसे पहला स्टेप क्या है अपने को परसेंटेज में कन्वर्ट करना। मैं एक क्वेश्चन दिखा लेता हूँ, आगे जाके मिसलिनियस में है। कम टू पेज नंबर, लास्ट पेज आ जाओ, जिसमें आपको दो पाई डायग्राम दिख रहे होंगे, एक पानीपत का दिख रहा होगा, एक अंबाला का दिख रहा होगा। यस सर, 113 पेज नंबर। ओके तो देखो वहां पे उन्होंने क्या कर दिया है, डायरेक्टली डिग्री निकाल के उन्होंने डिग्री से भी कर लिया, तो आप डिग्री से भी निकाल सकते हो। उन्होंने क्या करा, सबसे पहले पानीपत में सेट्स दिखाए, उनके परसेंटेज निकाले। परसेंटेज कैसे निकाले, देखो सबसे पहला स्टेप मान के चलो आपको वैल्यूज क्या दी हुई, मैं यहाँ पे पानीपत का करके दिखा रहा हूँ, अंबाला का आप करोगे। ओके पानीपत के लिए क्या क्या दिया है बताओ, सैमसंग के कितने सेट दिए हमें बताओ सर? 480। ओके सैमसंग के 480। फिर उसके बाद पर्टिकुलरली अकाई के कितने दिए हैं? 360। ओके अकाई के हो गए 360। फिर उसके बाद ओनिडा कितने दिए हुए हैं? 240। फिर उसके बाद आपके पर्टिकुलरली सोनी के कितने दिए हुए हैं? 120। ओके अब अगर मेरे को सबसे पहले इनको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, कि मैं परसेंटेज वैल्यू डालूंगा, तो परसेंटेज के लिए कैसे निकालूंगा, पहले इनका टोटल, इनका टोटल कितना दिया हुआ है? 1200। अब मुझे इसके लिए की परसेंटेज वैल्यू निकालनी है। सपोज पहले 480 की निकालूंगा, तो कैसे निकालूंगा, 480 डिवाइडेड बाय टोटल दैट इज 1200 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो कैसे करा, ये 100 से ये दो जीरो कैंसिल हुए, 12 4 48 और ये 40%। तो यहाँ मैंने इसकी परसेंटेज वैल्यू निकाली 40%। अब इसकी 360 की परसेंटेज वैल्यू निकालूंगा, तो 360 डिवाइडेड बाय टोटल 1200 मल्टीप्लाइड बाय 100। सो 100 से ये दो जीरो कैंसिल हो गए, 12 3 36 और ये हो जाएगा 30%। तो ऐसे सबसे पहले क्या निकालोगे, परसेंटेज। तो देखिए इसके 40 30%, फिर 20% और फिर 10% दी हुई है। आया? Yes. निकाला अपन ने इनके परसेंटेज। अब देख इनका टोटल 100% जाएगा। फिर परसेंटेज के बाद आप क्या निकालोगे, डिग्री। अब डिग्री निकालने के दो तरीके, या तो आप इस 40 को अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई 360 करो, जैसे यहाँ पे फर्स्ट वे दिया हुआ है, आप परसेंटेज से भी निकाल सकते हो, 40 डिवाइडेड बाय 100 इनटू 360 डिग्री, तो भी आपका आंसर कितना आएगा, 144 डिग्री। या फिर आप ये वाली वैल्यू भी ले सकते हो, दैट इज 480 डिवाइडेड बाय 1200 मल्टीप्लाइड बाय 360। ओके तब भी आपका आंसर 144 ही आएगा, क्योंकि अपने को डिग्री वैल्यू निकालनी है। पर डिग्री वैल्यू निकालने के बाद बेटा अपन सिर्फ डिग्री वहां पे नहीं लगा सकते, अपन क्या कर रहे हैं, अपन वहां पे अदर वैल्यूज भी कोट आउट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे मैंने अभी कैलकुलेटर पे उठाया, सो 480 इनटू 360 डिवाइडेड बाय 1200, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 144 डिग्री। फिर इन डिग्रीज की क्या करनी है बेटा, अपने इन डिग्रीज की अपने को क्या करनी है, प्लॉटिंग करनी है पाई डायग्राम पे बाय मेकिंग अ सर्कल, और फिर ये डिग्रीज बनाते जाना। अब आ गया क्रिश, अब आ गया? यस सर। ठीक है अपन अब जैसे अपने पास ये डिग्री आ गई, सपोज ये सारी डिग्री आ गई,
अब मैं क्या करूंगा, सिंपल एक सर्कल बनाऊंगा और उसके बाद इनका क्या करूंगा, प्रेजेंटेशन यहाँ से शुरू, मतलब ये सर्कल बन गया, ये मेरा आ गया रेडियस बीच में, और फिर रेडियस के बाद मैंने यहाँ अपना सेंटर पॉइंट लेके और फिर ये रेडियस बना दिया। फिर इसके बाद आप डिग्री, फर्स्ट डिग्री की कौन सी दी हुई है 144, तो ये 144 डिग्री का एंगल बनाऊंगा, लेकिन उसके अंदर कौन सी वैल्यू लिखूंगा, उसके अंदर लिखूंगा परसेंटेज वैल्यू। कितनी परसेंटेज वैल्यू है उसकी बताओ? 40। फिर उसके बाद ये वाली वैल्यू, और 108 का बनाऊंगा और उसके अंदर परसेंटेज वैल्यू कितनी लिखूंगा, 30%। ओके, फिर ऐसा ऐसे करके आप पूरा ओवरऑल बनाओगे और फिर इनको डिफरेंट कलर से आप नोटिफाई करोगे। मान के चलो जैसे मैंने इसके लिए नोटिफाई करा कि ये जो है ये दिस इज पर्टिकुलरली द सेट्स ऑफ सैमसंग, तो ये येलो कलर जो है ये सिग्निफाई कर रहा है सैमसंग। तो मैंने नीचे आके स्केल बना दी और लिख लिया कि ये जो येलो कलर है ये क्या बनाएगा, दिस वुड बी योर सैमसंग। ओके, तो यहाँ पे आपके ऊपर है कि आप कौन सी स्केल ऑफ मेजरमेंट लेते हो, क्या पर्टिकुलरली उस पे शो करते हो। ओके बेटा, एक क्वेश्चन था। हाँ बेटा बोलो। रेडियस के बाद आपने ये सब डी से बनाया? हाँ डी से बनेगा, पर मेरे पास यहाँ पे अभी डी नहीं है, मैं यहाँ पे अभी सिर्फ अंदाजे से बना रहा हूँ। अच्छा, ये मेरे बाकी एग्जाम में तो डी पे बना। हाँ, वो यहाँ पे आपको प्रोटेक्टर यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे आप पहले सर्कल बनाओगे विद द हेल्प ऑफ राउंडर। ओके, राउंडर के बिना नहीं बनेगा। हाँ, राउंडर के बिना या फिर उसके बिना जो आप सर्कुलर पोजीशन के, बिकॉज सर्कल चाहिए और डी, तो यहाँ पे आप जैसे ही अपन रेडियस निकालेंगे फिर डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स बनाएंगे। आया समझ में? यस सर। चलो, सो आज का पर्टिकुलर टॉपिक ऑन पाई डायग्राम वी आर कंप्लीटिंग ऑन दिस नोट ओनली। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर। डू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स ऑन इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। डू हिट द लाइक बटन इफ यू अंडरस्टैंड हाउ टू मेक द पाई डायग्राम। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।